खबर जसपुर क्षेत्र के ग्राम कलियावाला से है, जहां पूर्व में जिला कृषि विभाग द्वारा जारी मृदा कार्ड में चयनित किसानों को सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब परिसर में कृषि विभाग ओमपाल सिंह द्वारा जिंक सल्फेट सहित 10 किलोग्राम की मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व दवाइयां वितरित की गई, जिसको लेकर किसानों ने बताया कि पूर्व में जिला कृषि विभाग द्वारा गांव कलियावाला सहित क्षेत्र के अनेक गांव में खेती का मृदा परीक्षण किया गया था। जशपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये वह किसान है जो अभी पीछे मिट्टी की जांच हुई थी, 10 गांव में हुई थी पूरे ब्लॉक के अंदर, तो उसमें हमारा कलियावाला गांव भी था। इसमें जो कमी पाई गई थी, जो पोषकों की कमी पाई गई है, उसी के तहत जिंक जैम और अन्य जो पोष्ट हैं वो यहाँ उपलब्ध निशुल्क हमारे कृषि इकाई ब्लॉक की जो कृषि इकाई है उसके द्वारा निशुल्क किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये 148 किसान हैं उनके जिनके लिस्ट बनी है, एक जिनकी मिट्टी की जांच हुई थी उसी हिसाब से, यानी 10 किलो मानो 5 किलो जैंक और 5 किलो जैम या फिर अन्य एक 5 किलो की थैली अलग है, यानी 10-10 किलो जो है पोषण दिया जा रहा है प्रति किसान को। इसकी जांच समय समय पर किसान को वैसे करवानी चाहिए, और सर्टिफिकेट भी पूर्व में बांटे गए थे हमारे निवास पर ही, उस टाइम कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये पता चल जाता कि हमारे खेतों में किस चीज़ की कमी है, इसमें यानी सुपर फास्ट की कमी है या अन्य पोटास की कमी है या किसी की चीज़ की कमी है, तो उसकी पूर्ति की जाती है। बात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत हमारे ब्लॉक में जिन गांव में मृदा उर्वरता की कमी थी, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उन में से 10 गांव में मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। उन 10 गांव में एक कलियावाला गांव भी था। इसमें हमारे 148 किसानों का मृदा परीक्षण कार्यक्रम किया गया है। 148 किसानों को 500 रुपये प्रति किसान से की दर से सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 48 किसानों को जो वितरण किया जा चुका है, टोटल 148 को किया गया।